हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बरफर से हाजिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं हम चैत्र नवरात्रि को लेकर के। देखिए, पूरे नवरात्रि का जो सीजन होता है वो माता के लिए समर्पित ये पूरा मौसम होता है। ये पूरे दिन माता के लिए 9 दिन समर्पित हैं और सब अपने घर में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ जरूर ही करते हैं। एक चीज का ध्यान हर घर में रखा जाता है कि कोई भी प्याज लहसुन या फिर मांस मीट जैसी चीजें घर में ना बने। वहीं अब आपको बता देते हैं कि ग्रह गोचर इस पूरे समय में कैसे रहने वाला है। तो चैत्र नवरात्रि का शुभ पर्व 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 5 ग्रहों की महापंचायत से हो रही है। इसी के साथ 22 मार्च से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे विशेष संयोग ग्रहों के स्वामी सूर्य, चंद्र, गुरु बुध और नेपच्यून यानी कि वरुण एक साथ मीन राशि में विराजमान होंगे और इसकी नजर जो है वो कन्या राशि पर रहने वाली है, जहां इन ग्रहों की युति ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें, मीन राशि में ग्रहों के विराजमान होने से विद्युत योग और गज केसरी योग जो है वो बन रहा है, हंस योग भी इसमें बनेगा। तो अब ऐसे में इन 5 ग्रहों की युति से किन किन राशियों पर फर्क पड़ेगा वो आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहला फर्क जो पड़ेगा वो मिथुन राशि पे पड़ेगा, जहां मिथुन राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से लाभ होगा। करियर के लिहाज से आपको कुछ नए मौके भी मिलेंगे और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में भी लाभ आपको दिखाई दे रहा है। इस दौरान आपके घर और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा और आपके संबंध जो है वो मधुर भी बने रहेंगे। उसके बाद कर्क राशि पर भी इसका फर्क पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों को ग्रह की महापंचायत का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपको बता दें इसके प्रभाव से आपको नौकरी में प्रमोशन की खबर भी मिल सकती है। आय में अभी वृद्धि होने की संभावना है। भाई बहनों का पूरा सहयोग भी मिलता नजर आएगा। माँ दुर्गा की उपासना से आर्थिक स्थिति में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर कर्क राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में कई और भी राशि हैं जिस पर इसका पूरा का पूरा प्रभाव जो है वो पड़ता नजर आएगा और आपकी राशि में काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते नजर आएंगे। कर्क राशि के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर, तो और भी कई राशि हैं जिस पर इसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कि कन्या राशि, शुभ फल आपको भी प्राप्त होंगे। मीन राशि को भी शुभ फल प्राप्त होंगे, वृश्चिक राशि को भी शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। तो ये वो 5 राशि हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इनमें से कौन सी राशि आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।